बड़े मैं किसी को देख रहा हूँ You have gap in the bone. God has just healed you. आपके हड्डी में गैप था God has just healed you. प्रभु ने आपको इसी वक्त चंगा की है कौन है वो व्यक्ति आपके पीछे हड्डी में गैप है रन रन दौड़ कर आगे आइए आपके पीछे की Somebody got healed right now. प्रभु ने किसी को चंगा किया Hallelujah. जैसे आपने भविष्यवाणी की किसी के रीढ़ की हड्डी में क्या प्रेज जी बहन बता रही है इनको 3 साल पहले इनको पैरालिस का झटका आया था लकवा मार दिया इनको तो उसके वजह से पहले तो इनको गर्दन में प्रॉब्लम आई गर्दन में गैप आया गर्दन का फोटो हम देख रहे हैं जो गैप है और बाद में इनका रीढ़ की हड्डी का एक्सरे नहीं है प्रेज जी बाद में बोल रहे कि रीढ़ की हड्डी में भी गैप आया है और कह रहे कि वो दोनों भी मतलब इतने परेशान और साथ में इनका बाया हाथ भी काम नहीं कर रहा बराबर से और ऊपर से इनके इनको वात करके बीमार है उसका भी प्रॉब्लम है ये कह जैसे शादी होकर उनको 6 महीना हो गया 6 महीने के बाद तुरंत जो उनका उनको लकवा मारा उनको पैरालिस का झटका आया और उसके वजह से रातों को बराबर सो नहीं पाती है कोई वजनदार चीज़ उठा नहीं पाती प्रेज जी झुक नहीं सकती है बराबर से और वही परेशानी को लेकर वही गैप को लेकर वही हड्डी का दर्द को लेकर ये बहन यहाँ पर आई और सच में हमारा परमेश्वर जो जो सबसे प्रेम करता है इनकी समस्या आपको बताई प्रेज जी और ये बहन विश्वास करती है कि जैसे आप इनके ऊपर हाथ रखेंगे परमेश्वर इनकी हड्डी को चंगा करेगा हालेलुया वाह वाह हालेलुया हालेलुया अब रो रहे हैं खड़े होकर आज आपका दिन है यीशु वाह Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. प्रजी साथी में समस्या ये परिवार जैसे इनको लकवा मारा है उसके वजह से इनकी इतने सारे मेडिसिन चालू है प्रजी ये बच्चे के प्लानिंग कर रहे कोशिश कर रहे लेकिन वो मेडिसिन के वजह से उनको मतलब वो डॉक्टर बोले कि तुमको होना चाहिए लेकिन वो मेडिसिन के वजह से वो बच्चा हो नहीं पा रहा प्रजी ये बीमारी के वजह से साथ में बहन बता रहे कि उनको बच्चा नहीं होने के लिए किसी ने इनके ऊपर जादू टोना किया है लेकिन आज परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है हमें जब आप प्रार्थना करते हैं तो किसी ने कुछ भी किया नहीं दो प्रभु एक पल में आपके प्रार्थना द्वारा कुछ कर देता है आमेन और ये परिवार आज विश्वास कर देंगे बीमारी तो जाएगी और साथ ही में प्रभु उनको बच्चे के भी आशीष देगा ताली बजाएं जोर से प्रभु यीशु मसीह के लिए सिस्टर लिसन टू दिस इंस्ट्रक्शन कम ऑन लिसन टू दिस इंस्ट्रक्शन और सिस्टर बहन आप कुछ निर्देश को सुनिए द होली स्पिरिट इज टेलिंग मी टू टेल यू और पवित्र आत्मा मुझे कहने के लिए आपसे कह रहा है Release the word. और जैसे मैं वचन को आजाद करूंगा Two words, it's done. और ये हो गया I'm going to release that word from my mouth. मैं अपने मुंह से वचन को आजाद करूंगा Receive it. आप उसे ग्रहण कीजिए The moment the word is released. और जिस क्षण वचन आजाद होगा Open this and start running. Both of you start running. और जैसे मैं वचन को अपने मुंह से बोलूंगा उसके बाद आपको ग्रहण करना है और अपने पट्टों को खोल कर दोनों आपको दौड़ना है You have to run. आपको दौड़ना है Did you get the instruction? क्या आपको निर्देश मालूम पड़ा As I'm seeing into the realm of the spirit. आत्मिक क्षेत्र में मैं कुछ देख रहा हूँ As I'm standing, I'm looking. I see demons falling. और जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ, दुष्टात्मा नीचे गिर रहे हैं। Hallelujah. You are so good. Silver and gold. सोना और चांदी. Does not possess me. उसने मुझे कब्जा करके नहीं रखा है. But what holds me? लेकिन जिस जो मुझे कब्जा करके रखा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ यीशु क्रिस्त नासरी के नाम से यू आर हील्ड राइट नाउ आप चंगे हो गए हैं यू आर सेट फ्री राइट नाउ आप पूरी तरह से आजाद हो गए यू आर सेट फ्री राइट नाउ आप पूरी तरह से आजाद हो गए इट इज डन ये हो गया है हालेलुया इट इज डन Because you obeyed the word of the Lord. अपने परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन किया. Next year this time. और अगले साल इस समय. I see a child. मैं एक बच्चे को देख रहा हूँ. Prophesy, man of God. Leave the word. Prophesy.
will be wearing this color of dress. और वो इस लाल रंग के कपड़े को पहना है. सिस्टर, मैं आत्मिक क्षेत्र में देख रहा हूँ आपका एक नस जो है, यू नो, परेशानी आपको दे रहा था, वो भी खुल गया, वो भी सही हो गया इस वक्त. आमेन. हालेलुया. वाओ, हालेलुया. ये कलीसे ताली बजा के जोर से प्रभु यीशु मसीह के लिए. हालेलुया. प्रे जी, आपने कहा कि आपका नस जो है चंगा हो रहा है. आमेन. ये बहन बता रही कि इनके गर्दन की जो नस है राइट साइड की, वो बंद हो चुकी थी, मतलब दब गई थी. और साथ में कमर की भी जो नस होती है परेशी, वो भी दब गई थी, डॉक्टर ने कहा था. लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि आपके नस खुल गया. मैन, सच में परमेश्वर के जीवन में कार्य के ताले बजाएंगे जोर से प्रभु यीशु के लिए. हालेलुया. Hallelujah, it will never come back. You are free. Yes, come on, give the testimony. Hallelujah. Pray ji, ye jo joda hai, inka shaadi hua tha 3 saal pehle. Jaise shaadi hone ke baad 6 mahine ke baad ye behan ko lakwa ka attack aaya tha, paralysis ka attack aaya tha. Uske wajah se pehle unke gardan mein gap aaya, fir uske baad unke kamar mein gap aaya, reed ki haddi mein gap aaya. Fir doctor ke paas gaye to unko takleef ho rahi. Doctor ne kaha ki aapke gardan mein gap hai, aapke reed ki haddi mein gap hai. Uske wajah se main raaton ko barabar so nahi paati thi, करवटें नहीं ले पाती थी, गर्दन मोड़ नहीं पाती थी, झुक नहीं पाती थी. जो पहले के जैसे जो काम करते थे वैसा काम नहीं कर पा रही थी. परे जी, इनके हाथों में भी कमजोरी थी, हाथ बराबर कोई वजन सामान उठा नहीं पाती थी. और साथ ही इनको वात करके बीमारी, वो बीमारी भी थी. उनका पूरा शरीर जैसा लूज हो गया था, पूरा कमजोर हो गया था बीमारी की वजह से. और साथ ही में बच्चे के प्लानिंग भी कर, लेकिन बच्चा भी वो बीमारी की वजह से हो नहीं रहा था, क्योंकि वो सिर्फ दवाइयाँ खा रही थी. परे जी, डॉक्टर बोले कि तुमको बच्चा होना चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है. बीमार के कारण उनको बच्चा मतलब हो नहीं रहा. 3 साल से कोशिश कर रहे परे जी, लेकिन जैसा भी ये बहन ये पट्टा लगाकर यहाँ पर आए, गर्दन का पट्टा, कमर का पट्टा यहाँ पर लगाकर आया, सामने देखा मैंने, और दर्द को लेकर आई थी. और जैसे अपने भविष्यवाणी की परे जी, किसी का रीढ़ की हड्डी का गैप प्रभु यीशु चंगा कर रहे, भर रहे हैं. और जैसे बहन आगे आई परे जी, आपने इनके लिए प्रार्थना किया, हम सब ने देखा जैसे आपने आदेश दिया और आपने कहा कि भागो. और जैसे आपने कहा कि भागने से पहले पट्टा पूरा खोल कर भागो, और बहन ने वैसे आपके आदेश को माना. और जो दर्द को लेकर आई थी, वो गैप को लेकर आई थी, जैसे आपका आदेश माना, पट्टा खोला और भागने लगी, वो गैप प्रभु यीशु ने भर दिया है. वो कमर चंगा हो गया, वो गर्दन चंगा हो गया. इसके लिए परिवार यीशु को और आपको धन्यवाद करते हैं. और प्रभु जी, आपने ये भी भविष्यवाणी किया मैन कि आप देख रहे कि अगले साल इनके प्रभु इनको बच्चा ने देने जा रहा है. बच्चा दे दिया मैन, वो भी लाल कपड़े में पहनकर वो बच्चे को यहाँ पर लेकर आएगी. हालेलुया. सच में परमेश्वर हमारे बीच में. प्रेजी, और आपने ये भी भविष्यवाणी की, ये समस्या इनको किसी को इन्होंने बताया नहीं था, कि आपने कहा अभी कि इनका नस जो है अच्छा हो रहा है. और ये बहन बता रही कि इनका गर्दन का जो नस है राइट साइड का, वो दब गया था, कमर का भी नस दब गया था, लेकिन आज वो बहन बोल रही है वो नस भी खुल गया है. हालेलुया. ताली बजाएंगे जोर से प्रभु यीशु मसीह के लिए. आमेन. प्रभु के लिए जियो. प्रभु ने आपको आजाद कर दिया, बिल्कुल आजाद हो गया. प्रभु की शांति में जाओ. यू नो, हाउ मेनी वे देयर व्हेन दिस डॉटर केम हियर, यू नो, विद द पट्टा. यस, कलर द पट्टा. ओह यस. हां, कैन यू सी दैट? एंड टुडे शी इज स्माइलिंग. ओह यस, मैन, इट्स वंडरफुल. हालेलुया. सच में प्रेज जी, जो डॉक्टर नहीं कर सकते, जो हॉस्पिटल में जाकर भी इलाज करके भी नहीं होता, वहाँ पर आपके ऊपर जो अभिषेक है परमेश्वर का, वो एक पल में लोगों को छुटकारा देता है. प्रेज जी, ये परिवार देख रहे हैं, इनको शादी करके, इनके शादी होकर 4 साल हो गया. और जैसा इनका शादी हुआ प्रेज जी, उसके 6 महीने के बाद ये बहन को लकवा का अटैक आया. लकवा का अटैक आया. यस, इनको लकवा मरा, पैरालाइज हुआ उनको एक साइड से, राइट साइड से. उसके बाद प्रेज जी, उनके गर्दन में जो गैप हुआ, गर्दन को दर्द करने लगा. इसके लिए वो मतलब 24 घंटा वो दर्द कर रहा था. इस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि आपके गर्दन में गैप आया, हड्डी में गैप आया. तो इसके डॉक्टर ने उनको पट्टा दिया था पहनने के लिए, और डॉक्टर ने बोला आपको ये आपको हमेशा पहनना पड़ेगा, हमेशा पहनना पड़ेगा ये. और रातों को उसको नींद भी आती नहीं थी बराबर परिचय, वो दर्द की वजह से दिन भर मतलब वो गर्दन मोड़ नहीं पा रही थी, झुका नहीं पा रही थी, काफ़ी दर्द था. इलाज भी चालू था परिचय, और इतना ही नहीं, वो दर्द तो था ही परिचय,
गर्दन में गैप तो था, लेकिन उसके बाद उनके कमर में भी, उनके रीढ़ की हड्डी में भी गैप आया प्रेज जी। वो भी पट्टा डॉक्टर ने पहनने बोला, डॉक्टर ने बोला कि आपको दो पट्टा कंटिन्यू पहनना ही पड़ेगा प्रेज जी। और वैसे ही वो कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, वो कुछ भी काम उनसे हो नहीं पा रहा था और उनका इलाज भी चालू था प्रेज जी। लेकिन ऐसा हम देख रहे 11 अगस्त को ये बहन यहाँ पर पट्टा डालकर आई थी, हमें वो दर्द को लेकर आई थी, वो पीड़ा में आई थी प्रेज जी। और परमेश्वर की वाणी आपके द्वारा आई कि जैसे मैं बोलूँगा आप पट्टा खोलकर भागो यहाँ से वहाँ भागो, और उन्होंने आपके आदेश को माना प्रेज जी, और उन्होंने वो भागा प्रेज जी, दौड़ा वो बहन, दौड़ी, दौड़ने के बाद पट्टा खोलने के बाद दौड़ी और देखते कि प्रेज जी आज हम सबके सामने ये बिना पट्टा लगाकर ये यहाँ पर आई है। गर्दन का गैप प्रभु यीशु ने भर दिया, कमर का गैप यीशु ने भर दिया। हालेलुया, अभी वो बहन बता रही कि गर्दन में और कमर में कोई भी दर्द नहीं है, इसके लिए बहन यीशु को रब को धन्यवाद कर दिए। Going the freedom of the Lord. Hallelujah. Amen.